हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज ब्यूटी हॉलिक श्रद्धा। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं आपको बताऊंगी मुल्तानी मिट्टी से बनने वाला फेस पैक। आप जानते हैं ना, समर्स में हमारी स्किन कितनी ज्यादा ऑयली हो जाती है, हमारी स्किन में बहुत ज्यादा डर्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा पसीना आता है, जिससे स्किन में ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जानते हैं कि मुल्तानी मिट्टी एक ऐसा समर फेस पैक है जिससे आपको सारी प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा, लेकिन इसको लगाने का भी सही तरीका होता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि मुल्तानी मिट्टी लगाने का सही तरीका क्या है और इससे आपको क्या क्या बेनिफिट होने वाले। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। फेस पैक लगाने से पहले आपको अपने फेस को अच्छी तरह से क्लीन करना है। आप अपने फेस को पानी से अच्छी तरीके से धो के आ जाइए। उसके बाद में मैंने लिया है ये रोज वाटर। रोज वाटर आपके फेस को अच्छे से क्लींजिंग कर देता है। इसके लिए आप अपने फेस पर थोड़ा सा रोज वाटर लेंगे इस तरीके से कॉटन में, और कुछ इस तरीके से इसे क्लीन कर लेंगे। इसे क्या है कि पूरे फेस का जो डर्ट है वो अच्छे तरीके से क्लीन हो जाता है। मेरा फेस ड्राई होता है तब तक मैं आपको मुल्तानी मिट्टी से फेस पैक बनाना बताती हूँ। इसके लिए लिया है मैंने 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी, थोड़ा सा एलोवेरा जेल। जेल इसलिए फ्रेंड्स क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ये किसी किसी की स्किन को समर्स में भी ड्राई कर देता है, तो अगर आप एलोवेरा जेल डालोगे तो ये आपकी स्किन को ड्राई नहीं करेगा। अगर आपके पास फ्रेश प्लांट वाला अवेलेबल हो तो ये बहुत ज्यादा अच्छा है। इसके बाद में मैंने इसमें लिया है हाफ टमेटो का जूस डाल दीजिए इसमें। ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है समर्स में। और इसके बाद में मैंने इसमें डाल दिया है रोज वाटर। आप इसका अच्छी तरीके से पेस्ट बना लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने इसका पेस्ट कुछ इस तरीके से बनाया है। इसे ज्यादा थिक ना रखिए क्योंकि समर्स में ये जितना पतला होगा आपके फेस पे अप्लाई करने में उतना ज्यादा आसान होगा। तो चलिए हम फेस पैक लगाना स्टार्ट करते हैं। आप गर्मियों में इस फेस पैक को लगाएंगे तो आपको फेस में बहुत ज़्यादा ठंडक मिलेगी और बहुत ही ज़्यादा ग्लो मिलेगा। धीरे धीरे ये स्किन को वाइट करने का काम करता है, आपकी डेड स्किन सेल्स सारी निकाल देता है और जो सन टैन हो जाता है गर्मियों में हमें उसे भी दूर करता है। इसमें जो हमने रोज वाटर और टोमेटो मिलाया है वो हमारे स्किन को ब्राइट करने में हेल्प करते हैं, उसमें स्किन वाइटनिंग प्रॉपर्टीज होती है जो हमारे स्किन से सारा डर्ट निकाल देती है। इसलिए हमारे लिए फेस पैक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आप इसे गर्मियों में हर एक दिन के बाद अप्लाई कर सकते हैं। इस फेस पैक को लगाने के बाद आपकी स्किन में बहुत अच्छा निखार आएगा और अगर आप इसे हमेशा यूज़ करते हैं तो आपकी स्किन यंग लगने लगेगी। देखिए मैंने मेरे पूरे फेस पर इस फेस पैक को अप्लाई कर लिया है। आप चाहे तो इसे नेक पर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसे मैंने थोड़ा थिक लगाया है। देखिए अच्छे से लग चुका है। इसे आप 15 से 20 मिनट ऐसे ही रहने देंगे। देखिए 15-20 मिनट रखने के बाद ये कुछ इस तरीके से सूख चुका है। इसे पूरा ड्राई ना होने दे। फिर हमारा जो आधा कटा हुआ टमाटर था उसे स्क्वीज करके अपने फेस पर कुछ इस तरीके से रगड़ेंगे। इसे ज़्यादा ड्राई ना होने दे वरना आपकी स्किन ड्राई हो सकती है।
देखिए मैंने इसे अच्छी तरीके से अपने पूरे फेस पर रब कर लिया है। इसके बाद आप फेस वॉश करके आ जाएं। जब आप फेस वॉश करके आएंगे तो आपके फेस में आपको अलग ही ग्लो देखने को मिलेगा। देखिए मेरा फेस वॉश करने के बाद आ रहा है ना अलग ही ग्लो। लेकिन इसके बाद आपको फेस को ऐसे छोड़ना नहीं है, आपको इसके बाद कोई भी अच्छा टोनर या फिर आप रोज वाटर यूज कर सकते हैं। रोज वाटर को आपको इस तरह से लेना है और अपने पूरे फेस पर अप्लाई करना है, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी लगाने के बाद में आपके फेस के सारे ओपन पोर्स ओपन हो जाते हैं। तो इनको क्लोज करने के लिए आप रोज वाटर अप्लाई कर सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी अप्लाई करने के बाद अगर आप किसी टोनर को यूज करते हैं या फिर रोज वाटर को यूज करते हैं तो आपकी स्किन का पीएच लेवल मेंटेन रहता है और आपकी स्किन के ओपन पोर्स भी क्लोज हो जाते हैं। इसलिए आपको ये जरूर अप्लाई करना चाहिए और इसे अप्लाई करने के बाद आप आपकी स्किन में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस देखेंगे। आई होप यू एंजॉय एंड लाइक माई वीडियो। आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल रही होगी। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।